नमस्कार दोस्तों, मैं उमेश कुमार कुशवाहा। अभी सवेरे का टाइम है और सभी मेमने को बाहर निकाला गया है और देखिए बिल्कुल तंग करके रख देते हैं। बकरी पालन बहुत जो करते हैं उनको पेशेंस होना चाहिए, क्योंकि बकरी को शनिचरा कहा गया है, आपको शांति से रहने नहीं देगा। देखिए पैंट का बाजा ये बजा रहा है, बिल्कुल काट दे रहा है, लेकिन पेशेंस रखना पड़ता है क्योंकि यही जीवन है और यही करना है। तो बकरियों में होता क्या है कि आपको घनत्व में रखना ही होगा, कम जगह में ज़्यादा बकरियों को रखना पड़ेगा। कारण इसके पीछे है कि जितना जगह होता है आदमी सोचता है उसमें जितना ज़्यादा हम संख्या रख पाएँ। तो वैक्सीनेटेड बकरियां हैं, बच्चे हैं, तो आप ज़्यादा संख्या में भी आप रख सकते हैं। तो कई बार होता है क्या है, होता कई बार क्या होता ही है, बच्चे आपस में लड़ते हैं, खेलते कूदते हैं, इस क्रम में चोट लग जाता है। तो अगर आँख में चोट लग जाए, आँख से कीचड़ आए, आँख उजला हो जाए, तो आपको क्या करना है ये मैं आपको समझाता हूँ वीडियो में। आपको तो सबसे अगर आँख में बहुत ज़्यादा चोट लग रहा है, चाहे लग गया है, पानी वगैरह आ रहा है, तो सबसे पहले आपको ये करना है कि जिस आँख में चोट लगा है उस आँख में फिटकरी का पानी, यानी कि थोड़ा सा पानी लें, उसमें फिटकरी डालें। और फिटकरी क्या है, एक नमक की तरह होता है, सेंधा नमक की तरह, जो आपको किराना दुकान में भी मिल जाएगा। थोड़ा सा फिटकरी लेके पानी को उबालें, फिटकरी डालकर पानी को उबालें, और अच्छी तरह से उबल जाने के बाद पानी को नीचे उतार लें। जब ठंडा पानी हो जाए तो उस फिटकरी के पानी से पहले आँखों को पोंछ लें, यानी फिटकरी का पानी आँख में भी डाल देना है आपको, उससे कोई नुकसान नहीं होगा। तो फिटकरी का पानी बिल्कुल उबाल करके ठंडा होने के बाद, मैंने ठंडा यानी कुछ गुनगुना रहे, उस समय आपको जो भी बकरी है या बच्चे हैं उसके आँख में पानी को डालना है, यानी अच्छी तरीका से पोंछना है, सेकाई करना है, ये काम कर लेना है। वो काम करने के बाद आपको क्या करना है, पहले तो फिटकरी के पानी से सेकाई कर लिए, उसके बाद आपको क्या करना है, एक सिपलॉक्स आई ड्रॉप है, आई एयर ड्रॉप, यानी आँख में और कान दोनों में डाल सकते हैं आवश्यकता के अनुसार, जो भी ज़रूरत पड़े, कान में भी कोई प्रॉब्लम है तो डाल सकते हैं, यहाँ बात आँखों का है तो आँख में इस्तेमाल करेंगे। सिपलॉक्स आई ड्रॉप है ये, इसका MRP है, कि बहुत लोग रेट बोलते हैं इसलिए मैं बता दूँ, 17.05 रुपया, यानी 17 रुपया इसका MRP है। 17 रुपया में मिलता है, बार्गेनिंग करने पर आपको 1-2 रुपया कम में भी, 15 रुपया 14 रुपया में भी मिल सकता है, लेकिन 17 रुपया MRP है। तो इस सिपलॉक्स आई ड्रॉप को हम 2-2 बूंद सुबह शाम डालेंगे। बच्चा चाहे छोटा हो या बड़ी बकरी हो, आँख में कोई भी प्रॉब्लम आ गया है तो 2-2 बूंद हम डालेंगे। जैसे देखिए एक बच्चा को यहाँ प्रॉब्लम हुआ है, किधर गया मैं आपको दिखाता हूँ, देखिए ये जो बच्चा है, ये बच्चा है, इसका आँख में प्रॉब्लम हुआ है। ये जो बच्चे हैं, कोई झटका लगा दिए होंगे, हालांकि कुछ जो बच्चे कुछ दाना वगैरह पकड़ लिए हैं उनको मैं इनमें रखा हूँ। देखिए इनको दाना दे दिया गया है, दाना के रूप में गेहूं का चोकर और चने का छिलका इनको दिया गया है, और जिनको खाना है वो बच्चे खा रहे हैं। तो इनको गेहूं का चोकर और चने का छिलका दे दिया गया है और बच्चे मज़े से, देखिए जिनको खाना है खा रहे हैं, नज़दीक से दिखाइए, जिनको खाना है मज़े से बच्चे खा रहे हैं, और जो बच्चे को नहीं खाना है या खा चुके हैं वो साइड पकड़े हुए हैं। बच्चे हैं ये 1.5 महीने से ऊपर हो गए जो बच्चे हैं, और इनसे छोटे बच्चे को उधर हमने केज में रखा है, जो बच्चे अभी आराम कर रहे हैं, नीचे आपको दिखाई कम दे रहे होंगे, वो केज में आराम कर रहे हैं। तो इस तरीका से बच्चे को रखा जाता है, जो कि पहले भी मैं कई बार वीडियो में दिखा चुका हूं और आप देखे भी हैं। तो आज बात है कि आँख में, जिसे देखिए आँख बिल्कुल इसका उजला हो चुका है, हो गया है ना। तो सबसे पहले मैंने इनको फिटकरी के पानी से सवेरे धोया है, फिटकरी के पानी इसमें डाला है, और ये सिपलॉक्स आई ड्रॉप इसमें मैं 2 बूंद सवेरे शाम कंटिन्यू इसमें करूँगा आज से, और ये 5 दिन के बाद बच्चा बिल्कुल ठीक हो जाएगा, जिसका भी वीडियो मैं आपके पास भेजूँगा। तो ये प्रक्रिया आप करके अब बहुत बिल्कुल सस्ता तरीका से अपना के बच्चे को बचा सकते हैं, नहीं तो फिर इसका आँख खराब हो जाएगा। और अगर बच्चा जन्म से ही अगर अंधा हो और दिखाई नहीं देता हो, तो विटामिन ए की कमी से भी होता है, तो उसका वीडियो मैं आगे बताऊंगा कि क्या आपको उसके लिए करना है, अगर जन्म से अंधा हो बच्चा तो क्या उसका पहचान है और क्या ट्रीटमेंट करेंगे, तो जन्म से अंधे बच्चे को भी आप शायद कुछ सुधार कर पाएँ। लेकिन ये बच्चा को जन्म से अंधा नहीं है, बस आँख में चोट लग गया है ई मेमने द्वारा, तो इसको कैसे ठीक करेंगे जो हम बता रहे हैं। जिससे सिपलॉक्स आई ड्रॉप जिसे मैं बताया इसका है, 2 मैंने इसको देखिए निकाल लिया सिपलॉक्स आई ड्रॉप को, और 2 बूंद इसके आँख में हम 1-2 और दोनों आँख में डाल देंगे। हालांकि एक आँख में ही ज़्यादा दिक्कत है, लेकिन हमने दोनों आँखों में डाला है, हमने दोनों आँखों में डाल दिया है, जिस आँख में प्रॉब्लम है उसमें ही डालें आप, और चाहे तो दोनों आँखों में डाल सकते हैं, कोई इशू नहीं है। और ये सुबह शाम प्रक्रिया अपनाना है, जिससे क्या होगा कि जो बच्चा है ये बिल्कुल इसका आँख ठीक हो जाएगा। तो इन सभी ये सब समस्या का आपका फेस तो आपको करना ही होगा, और इसके अलावा बहुत सारी चीज़ें हैं बकरी फार्मिंग में,
बहुत सारी घटनाएं घटती है कि जिसे मुंह में छाले हो गए, लोहा चबा लिया, उसके वजह से छाला हो गया, क्योंकि बच्चा है तो चबाएगा, ये हो गया, बकरी का पैर टूट गया, मैंने जो भी ये सींग टूट गया, इस टाइप का बहुत सारी समस्याएं हैं, छोटी छोटी चीज़ें हैं, तो छोटे छोटे बहुत सारे घटनाएं घटती है जिसका हम लोग वीडियो नहीं बना पाते हैं कि लोग इसके प्रति क्या सोचेंगे, क्या बोलेंगे, कि क्या बोल रहा है। तो यदि आपको इस टाइप का वीडियो अगर पसंद पड़ने लगा है कि छोटा सा आँख में चोट लगा उसका भी मैंने वीडियो बनाया, तो आप कहें, कॉमेंट करें, तो मैं स्पेशल एक आदमी भी अगर कहते हैं तो मैं उनके लिए ही वीडियो बनाऊँगा, क्योंकि मेरा वीडियो बनाने का मकसद है कि एक आदमी को भी बेनिफिट हो रहा है तो मैं बनाऊँगा, बाकी लोग क्या कहते हैं उससे मतलब नहीं, क्योंकि मेरा सोच है कि बस सफलतापूर्वक बकरी पालन कैसे करें। तो सभी बकरियों में कुछ ना कुछ घटनाएं घटती रहती है, तो आँख का जो भी प्रॉब्लम हो आँख का, आपको समझ में नहीं आता हो, आँख से कम उसको दिखाई दे रहा हो, जो आपको अनुभव हो रहा हो, आँख उजला हो गया है, मोतियाबिंद टाइप का हो गया है, बच्चे के आँख से पानी आ रहा है, झटका सा लग गया है, कोई भी समस्या आता है, तो आप यही फार्मूला अपनाएंगे कि सबसे पहले आप फिटकरी डाल के उसको उबालें, उबालने के बाद उसको ठंडा करें और अच्छी तरीके से आँख को साफ़ करें, यानी साफ़ करते के क्रम में आँख में पानी जाना चाहिए। वो हो गया, वो हो जाने के बाद, वो करने के बाद, बस दिन में वो एक टाइम करना है, उसके बाद सुबह शाम सिप्लॉक्स आई ड्रॉप, कोई भी आई ड्रॉप आप इस्तेमाल कर सकते हैं, ये सस्ता है, चीप एंड बेस्ट, ये सस्ता है, 17 रुपया का आई ड्रॉप है, लगभग 17 रुपया का, 1-2 रुपया आगे पीछे हो सकता है, ये मैं नहीं, लेकिन 17 रुपया इसका है, मैं बता रहा हूँ। तो सिप्लॉक्स आई ड्रॉप इस्तेमाल करें सुबह शाम, आदमी ह्यूमन का है ये, लेकिन ये बकरियों में बहुत अच्छा काम करता है। तो सुबह शाम 2-2 बूंद आँख में डाल दें, बिल्कुल ये ठीक हो जाएगा, और ये इस्तेमाल करना है कम से कम 3-4 दिन या जब तक ठीक ना हो जाए। पहला दिन से ही आपको अंतर पड़ने लगेगा, जो आँख खुल नहीं रहा था, जो आँख बच्चा आँख बंद करके घूम रहा था, वो आँख खोलना शुरू कर देता है, बच्चा हो या बड़ी बकरी हो। तो सिप्लॉक्स आई ड्रॉप का इस्तेमाल करें, फिटकरी के पानी से साफ करें, तो ये आपका आँख का समस्या ठीक हो जाएगा। इससे अगर बहुत ज़्यादा है तो प्रॉब्लम हो गया है तो अपना वेटनरियन से आप संपर्क करके भी ट्रीटमेंट करा सकते हैं। ये मेरा पर्सनल अनुभव है, मैं इतना दिन से फार्मिंग कर रहा हूँ, जो मैं बता रहा हूँ, मानना ना मानना आपकी बात है, बताना मेरा काम है। तो इस तरीका से फार्मिंग में छोटी छोटी समस्याओं को फेस करें, सफलतापूर्वक बकरी पालन करें। छोटे मेमने बहुत ज़्यादा परेशान करेंगे यहीं आपको, और उनको आपको सुविधाजनक बनाना होगा जगह, क्योंकि अगर आप अपना गरीबी रोते हैं कि मेरे पास गरीबी है और मैं कैसे करूं, तो फिर बकरी पालन आप भूल जाएं, क्योंकि बकरी कभी नहीं समझेगी कि आप गरीब हैं या अमीर हैं। जैसा मैंने जाली से कवर किया है जिसमें मेमने हैं, अगर ये जाली से मैं कवर नहीं करता तो मेमने उधर जाते हैं और बड़ी जिससे बड़े जो मेमने हैं वो इसको मारते, तो फिर ये नहीं खा पाता और नहीं बच पाता। इसी तरीका से मेमने का मोर्टलिटी हो रहा है, लोग बकरियों के बीच में छोड़ देते हैं और उन्हें लगता है कि भाई क्यों ना छोड़े, मैं तो ऐसे ही कर रहा हूँ जी, लेकिन वो सभी मेमने बचा रहे हैं, कोई ज़रूरी नहीं है, कुछ ना कुछ मेमने खतरे में पड़ जाते हैं। तो इनमें खर्च कहाँ हुआ दोस्त, मैंने जाली लाया यहाँ से, यहाँ मैंने मान के चलिए कि ये लंबाई जो आप देख रहे हैं, अगर ये 20 फीट का लंबाई मैंने बनाया है, वहाँ से और यहाँ तक का 20 फीट का लंबाई है, दोनों तरफ 20 फीट यानी 40 फीट जाली, और इधर मैंने बांस का फट्टी का मैंने बनाया है, बांस का फट्टी है, उधर भी जाली हमने दिया है, तो 25 फीट जाली लगा है। तो 25 फीट इस सस्ता वाला बिल्कुल जाली है और लोहा के बीच बीच में एंगल करके दे दिया है, तो 500-700 में सारा काम हो गया है, जिसमें कि हम 20-25 मेमने रख सकते हैं, और 20-25 मेमने हम लंबा समय तक रख सकते हैं 500-600 रुपया खर्च करके, तो ये बहुत ज़्यादा हुआ नहीं है। तो इस टाइप से डिवाइड बनाकर अब मेमने को बकरियों को रखें और सफलतापूर्वक बकरी पालन करें, ताकि इस तरीका का जो आँख में चोट लगना, मार के एक दूसरे का पैर तोड़ देना, या बहुत तरीका सींग लड़के सींग टूट जाना, इस तरीका से बहुत सारी समस्याओं से एक हद तक बच सकते हैं। और बाय द वे हो ही गया तो जो भी समस्या है उसका समाधान मैं कोर्ट करने का कोशिश अपने स्तर पर करूँगा। तो आप चैनल पर बने रहें, पहले भी बहुत सारे इस टाइप का वीडियो डाले गए हैं जिसे आप देख सकते हैं, और एक आपको नया ऊर्जा मिलेगा। अगर कुशवाहा गोट फार्म के अगर चैनल को आप सर्च करके सभी वीडियो देखते हैं, जैसा कि मान के चलिए कि लगभग मैंने 235 से ऊपर वीडियो डाल चुका हूं मैं, और सभी वीडियो मैंने कोई भी ऐसा वीडियो नहीं डाला है जिसमें आपको जानकारी नहीं मिले, खेती बाड़ी से लेकर बकरियों को देखभाल, प्रजनन, वैक्सीनेशन, टीका कब कौन सा लगाएं, मैंने टोटल चीज़ें का मैंने कवर करने का कोशिश किया है, और जो भी समस्या मेरे पास आएगा वो मैं आप तक पहुंचाऊंगा ज़रूर। तो चैनल पर बने रहें, नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, वीडियो को लाइक करें, और पुराने हैं तो आपको पता है कि लाइक तो करना होगा, क्योंकि लाइक करते हैं तो दो भाई का हिम्मत बढ़ता है, और इस टाइप का छोटी छोटी वीडियो ही सही लेकिन आप तक पहुंचाने का कोशिश करता है। तो नमस्कार दोस्तों, गुड मॉर्निंग, प्रणाम।
जनाब। कैमरा में जाएगा फोटो ले।